पिछले अगर 2 सालों का आप आंकड़े उठा के देखिए तो कहते हैं कि जो हमारे तेल की कंपनियां हैं उनके जो भाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिसाइड होते हैं, जबकि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल के भाव हैं, जो तेल की प्राइसेस हैं, उनके अंदर 38% का गिरावट आया, 38% की गिरावट आई है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये आम आदमी की आवाज है, एक देश के आम नागरिक की आवाज है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 38% तेल के भाव पिछले 2 सालों में गिरे हैं, और अगर हम आकलन करें जो तेल की कंपनियां हैं उन्होंने पिछले 9 महीने में 69,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये केंद्र की सरकार जो है वो क्या तेल की कंपनियों के ऊपर से अपना नियंत्रण खो चुकी है? ये अगर तेल की कंपनियों में तेल के भाव अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिरते हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो नीति बनी है तो नीति के अनुसार ये स्वाभाविक है कि हमारे जो तेल के भाव हैं देश के अंदर भी गिरने चाहिए। और तेल एक ऐसी चीज है, तेल एक ऐसी वस्तु है जो हमारी दैनिक उपयोगिता की जो वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता जिनको अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं उन सब के ऊपर उसका असर पड़ता है। ये सीधे सीधे जो है ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों की नहीं, ये चंद व्यापारियों की सरकार है जो काम कर रही है, जिसने महंगाई को बढ़ाया है। मैं ये पूछता हूं कि इतना बड़ा 69,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है तेल कंपनियां तेल के खेल में जो चांदी कूट रही हैं, तो इससे आम आदमी के ऊपर जो आम आदमी की जो दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जो मैं आंकड़े दे रहा हूं क्या वो झूठ है? आप इतना आम आदमी को इस देश के अंदर क्यों लूट रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी, आपने अच्छे दिनों का वायदा किया था, क्या ये अच्छे दिन हैं? क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि क्यों इस तरह से आम आदमी को महंगाई को बढ़ा के लूटा जा रहा है? ये ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत मुद्दा है, ये मेरी बात नहीं है, ये आम आदमी की, देश का हर नागरिक इस बात को पूछना चाहता है, जानना चाहता है।